नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। साइबर सिटी गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी में निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 300 रोगियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। कैंप में पहुंचे मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाइयां दी गई। इस कैंप में निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी मौजूद थे। स्वास्थ्य कैंप में आए मरीजों में से ज़्यादातर मौसमी बीमारियों के पीड़ित मरीज पहुँचे थे। इसके अलावा आँखों का चेकअप करवाने के लिए भी लोग पहुँचे थे। डॉक्टरों ने सभी मरीजों को फ्री में दवाइयां के साथ आंख के लिए फ्री चश्मे भी बांटे गए। जांच शिविर जो लगाया गया भाई साहब, कितने लोग आए थे यहां, क्या कुछ सुविधाएं दी गई? देखिए, आज सामाजिक संस्था युवा शक्ति संगठन भारत का 5वां वार्षिक उत्सव हम भाई नरेश कटारिया जी के कार्यालय देवीलाल नगर में मना रहे हैं। ये गुरुग्राम में ही नहीं, पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे सफाई अभियान, पौधारोपण अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, अनेकों जो समाज के लिए, उत्थान के लिए जो सेवाएं हैं, इनको कर करके आज हम 5वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आज जो यहाँ स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है, इस शिविर में आयुष्मान हॉस्पिटल, सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल और जगदम्बा हॉस्पिटल के सहयोग से, जैसे आँखों की जो समस्याएँ हैं उनका चेकअप किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, चश्मे दिए जा रहे हैं। अब जैसे महिलाओं की जो समस्याएं, गायनी की जो समस्याएं हैं, उनके लिए जगदम्बा हॉस्पिटल से पूरी टीम आई हुई है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो आजकल हम कहते हैं कि जो हर्बल, बिल्कुल जड़ी बूटियों या पेड़ पौधों से मिलकर जो दवाइयां बनाई जाती है, उनको लेकर भी हमारे आयुष्मान हॉस्पिटल से टीम आई हुई है, जो जो जनता की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते पैसे के अभाव के कारण, या समय पर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की जांच नहीं करा पाते, उनको जब वो जांच कराते हैं तब तक बीमारी भयंकर रूप ले चुकी होती है। इसलिए उन सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। क्या ये सब कुछ निःशुल्क की बात की आपने, क्या सब कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है? देखिए, जो हमारी संस्था पिछले 5 साल से समाज के लिए कार्य कर रही है, और लगातार 5 वर्षों से जितने भी हमारे द्वारा पूरे भारतवर्ष में शिविर आयोजित किए गए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं। कितने लोग अब तक आए हैं सुबह से? देखिए, लगभग सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों की भीड़ कम होने का नाम ले रही है, क्योंकि ये गरीब कॉलोनी है देवीलाल नगर, यहाँ वो सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, और हैं तो लोग उन तक पहुँच नहीं पाते, पैसे के अभाव के कारण जाँच नहीं करा पाते। उन लोगों के लिए आप देख रहे हैं, लगभग 150-200 लोग अब तक जाँच करा चुके हैं। आपको बता दें कि कैंप युवा शक्ति संगठन भारत द्वारा लगाया गया था। ये संगठन सिर्फ गुरुग्राम में भी नहीं बल्कि भारत के कई जिले में भी स्वास्थ्य संबंधित कैंप का आयोजन करते रहते हैं। इसके अलावा संगठन के लोग पर्यावरण, ट्रैफिक, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों समाज सेवा का काम करते हैं। इस मौके पर समाज सेवी टिंकू वर्मा ने निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और कर्मचारियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।